अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, यूसुफ़न दरगाह के दामन में उर्दू खाना है। वहाँ पर आज जुमे के दिन लोग नमाज के लिए आते हैं और कई तादाद में लोग जमा होते हैं, लेकिन अफसोस कि वहाँ पर आवाम को सहूलत नहीं मिल पा रही है। आप देख सकते हैं पानी की क्या हालत है, कोई साफ सफाई नहीं। इसके जिम्मेदार कौन है? खोखले बातें करने वाले, बड़े बड़े दावे वादे करने वाले वक्फ बोर्ड के इदारे पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। सिर्फ उनको रुपयों से मतलब है। आवाम की सेहत से और लोगों की खिदमत करने से, आवाम के परेशानियों को, आवाम के मसलों से उनको कुछ लेना देना नहीं, जबकि लाखों करोड़ों रुपयों की आमदनी है वक्फ बोर्ड को। बावजूद इसके यूसुफ़न दरगाह की अंदर की हालत ऐसी है, बड़ी अफसोस की बात है। बहरहाल यहीं के एक नौजवान ने ये वीडियो लेकर हम तक पहुंचाया ताकि हम इसको मंजर आम पे लाएं, और वो बड़े बड़े वादे और दावे करने वाले जरा इस मंजर को देखें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें और फौरन यहां का काम शुरू करें, क्योंकि ये रुपये जो आपको दरगाह से या कहीं और से मिलते हैं, ये रुपये इसी ऐसे दरगाहों को और मस्जिदों को लगाने के लिए मिलते हैं, ना कि आप वो रुपये कहीं और खर्च करें। जरूरी है कि वक्फ बोर्ड अपना हिसाब किताब बताएं और फौरन ऐसे मसलों में देर ना करें, काम को अंजाम दें, ताकि जो आवाम का एतमाद तेलंगाना हुकूमत के चंद्रशेखर राव पर है और वो ऐसे ही बरकरार रहें। उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये मसले को हल किया जाएगा। महेश अहमद अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद।